कुछ यादें हैं भी कर लो, कुछ यादें हैं भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा की वाली आ रही है टीम सी। आप कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। आपका जो गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फरिश्ते करके एक मूवी थी, यू ये उसमें ये गीत था फरिश्ते का। इसमें आवाज़ दी थी आशा भोंसले जी ने और उनके साथ शबीर कुमार जी थे। इनकी लिरिक्स जो है श्यामलाल गुप्ता जी ने लिखी थी। आपको बताना है कि इसमें संगीत किसने दिया। संगीत ये वो शख्स हैं जो थोड़े विशाल आकार के हैं, मुझसे भी ज़्यादा विशाल। उनके नाम में जिस तरह से हम गणेश जी को बुलाते हैं वो शब्द छुपा हुआ है। हाँ, बप्पी लहरी दलाई लाल। बप्पी लहरी जी ने संगीत दिया था और इस संगीत का हम लोग आनंद लेंगे। मैं गुजारिश पुनः करूंगा हमारी संगीत की टीम से कि हम सबको ये गीत सुनाएं। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत देश की जाने जाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे गर्वपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा बहुत अच्छा। क्योंकि बड़ी मार्च हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? वीर सागर जी के पास आएंगे हम लोग। वीर सागर जी केम छो? सब ठीक ठाक? मजा मच हो है ना? ठीक ठाक आर्य कन्या गुरुकुल के बच्चे थोड़े बताएं, सब ठीक ठाक खेल रहे हैं बेटे? कौन से आप कौन सी टीम को फॉलो कर रहे हो? सब हम निष्पक्ष हैं, हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। आपका जो है गीत जो आ रहा है ध्यान से सुनेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों,
सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये शानदार गीत है ना, और शानदार ढंग से उसको अभी प्रस्तुत भी किया जाएगा। इसमें बोल जो गायक थे हमारे मोहम्मद रफ़ी थे, ठीक है। जो लिरिक्स थे वो कैफी आज़मी उन्होंने लिखे थे। और आपको बताना है ये कौन सी फिल्म के थे, किस फिल्म? बॉर्डर। चलो जवाब देखिए, थोड़ा सा सोच लेते। ये फिल्म जो है वास्तविकता से ताल्लुक रखती है। वास्तविकता को क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं? वास्तविक, सच्चाई, एक और इसका सिनोनिम। अब हमारे ऑडियंस में जाएंगे मैडम, ऑडियंस कौन बताएं? हाँ हाँ, जूली के बाद कौन है? आशा, आशा बताएंगे। नहीं, वो एक शब्द है, एक्चुअली ओरिजिनल जो सॉन्ग था वो उसमें, ये तो फिर बाद में रिपीट हुआ। हाँ आप बताओ बेटे पीछे। ना बेटे ये भी नहीं है, तो वास्तविकता से किसका ताल्लुक? हाँ हाँ पीछे एक बेटी है, आर्य कन्या गुरुकुल की बेटी, वो तो बाद में बेटे रिपीट। ओरिजिनल जो सॉन्ग था वो वास्तविकता से ताल्लुक रखता है, वो शब्द एक शब्द, और ह ह से शुरू होता है। ह ह ह ह ह ह क्या किन्होंने? हकीकत सही जवाब, हकीकत, क्या बात है। अरे आओ आओ बेटे आओ, हम सतीश जी से गुजारिश करेंगे हमारे जादू के पिटारे में से। आओ बेटी, क्या नाम है बेटी का? क्या नाम बताए? सुरेखा, रेखा। अरे रेखा, कितना अद्भुत नाम है आपका तो बेटे। आप जो है सतीश जी, उनको एक अच्छी शानदार बैंड देंगे। हाँ रेखा, ये आपके लिए छोटी सी गिफ्ट, इस क्षण को यादगार करने के लिए। थैंक यू रेखा, बहुत अच्छा रेखा ने जवाब दिया। हकीकत फिल्म का ये था, बड़ी अच्छी फिल्म है, कभी अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। किसी ने देखी क्या? पे है थोड़ी पुरानी है लेकिन जानदार फिल्म है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब इसको पहले हम लोग प्रस्तुत करेंगे, पहले इसका हम आनंद लेंगे। कल चले हम फिदा। आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनमें बहुत जान है। सरदार वल्लभ पटेल का जो गीत भी वैसे ही है, जान से भरा हुआ है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कोई बातचीत, देखता हूँ मैं जिससे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीद मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। खेच कर लाई है ये शब्द, लाइन तो गौर कीजिएगा, अद्भुत लाइन। खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचे का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो गीत है इसको आवाज दी थी मन्ना डे जी ने, बड़ा मशहूर गीत है। मन्ना डे के साथ मोहम्मद रफी, राजेंद्र मेहता जी भी थे। शहीद फिल्म से था, शहीद फिल्म 1965, चित्र जी को स्मरण होगा 1965 की फिल्म है। आपको बताना है कि इसके जो शब्द है, इसके लिरिक्स हैं, ये किसने लिखे, किसने लिखे, इतना मशहूर है। मैं उनको उनका क्ल्यू भी दूंगा, आपको थोड़ा सा क्ल्यू दूँ। उनके जो जिस हम स्वतंत्रता संग्राम के जिस शहीद की हम बात कर रहे हैं, उनके नाम में राम है। हम सबका भारत माँ को लेके कर्ज है, और ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो मानते थे कि माँ का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते। वो सही मायने में देशभक्त कवि थे, देशभक्त कवि, बहुत सी उन्होंने ऊर्जा भरने वाली। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर, जोरदार तालियां हो जाए मिट्टी। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना मच। कहाँ जाएंगे हम लोग, किन से बात करनी है? आप हैं भगत सिंह, भगत सिंह ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपका भी शानदार गीत आ रहा है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमल भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है ना शानदार गीत, ये महेंद्र कपूर जी की आवाज में था।
इनको लिखा था इंद्रवीर इंदिवर इंदिवर जी ने, इन्हें इसकी रचना करी थी आनंद जी वीर जी शाह और कल्याण जी वीर जी शाह ने, ये इनके संगीत निर्देशक भी थे। देशभक्ति का ये गीत है, आपको बताना है ये किस फिल्म से है। ये जो फिल्म है अगर आप तो मैं क्ल्यू दूँ, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ शब्द जो है उसका मतलब क्या है उसमें आपको इसका उत्तर मिल सकता है। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, न्यूज़ है जो शब्द है NEWS, एन का मतलब नॉर्थ, फिर ई का मतलब ईस्ट, फिर एस का मतलब साउथ, और बीच में रह गया डब्ल्यू, वो हो गया वेस्ट। अब इसमें जो है आपका उत्तर छुपा हुआ है, जल्दी बताइए। हाँ कौन बताएंगे, ऑडियंस के पास जाएंगे, ऑडियंस के पास, ऑडियंस लास्ट में बच्चे हैं। हाँ बेटे मैं उधर जाऊँ तो बुला रहे बेटे, हैवी डिमांड है, चलिए उधर जाते हैं, हमारे हीरल की टीम की तरफ जाते हैं, है ना, बताइए बताइए। हाँ हीरल बताएंगे, हीरल बताइए। पूरब और पश्चिम, सही जवाब, पूरब और पश्चिम, क्या बात है। जब जीरो दिया मेरे भारत, अजी प्रिय, पहले पहले तो वो जो है उनको हम लोग जादू के पिटारे में से जो है हम लोग किनको कहेंगे, हमारे जो है क्या नाम है बेटे का, हीना, हीना को कहेंगे कि जादू के पिटारे में शानदार इनाम ढूंढे, थोड़ी जरा मशक्कत कीजिएगा, है तो जैसे अलग प्रकार के भी इनाम निकलने चाहिए, बहुत कुछ है उसमें, है ना। और हीरल के लिए जो है हीना और हीरल मैडम, नहीं हीना मैडम, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, खा गए हीरल बिटिया, है ना, बहुत अच्छा। और अब हम इसको सुनेंगे हमने शानदार कंठों से। चंद्रशेखर आजाद जी के पास, चंद्रशेखर जी का जो गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन के राग सुनाते, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाते हैं। देखिए क्या शानदार लिरिक्स,
गम को दूर हो जाते हैं, खुशियों के कनक मुस्काते हैं। इसे गीत है, शानदार गीत है ये भी। ये जो है इसके भी महेंद्र कपूर जी जो है इसके संगीत इन्होंने आवाज दी थी। गुलशन बावरा, जिनको गुलशन कुमार मेहता के रूप में जानते हैं, उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे थे। आनंद जी वीरजी शाह और कल्याण जी वीरजी शाह इसके संगीत निर्देशक थे। आपको बताना है कि किस फिल्म से था ये। मैं अभी बात कर रहा था ऋण की, जो कर्ज है हमारा, माता का जो कर्ज है, देश का जो कर्ज है, वो हम कभी चुका नहीं सकते। तो वो कर्ज की बात, जो परोपकार की जो बात है, वो इस संगीत इस गीत के जो फिल्म है उसमें छुपा हुआ है। वो कौन सा कर्ज है जो हम माँ बाप का जो कर्ज है, देश का जो कर्ज है, हम वो कभी नहीं चुका सकते, तो उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे उसको, वो कु अक्षर, कु अक्षर से शुरू होता है, कु इंग्लिश में यू, अगर कोई आपकी कृपा करे सर, तो उसको उपकार बेहतरीन, 1200 अंक मिले उनको, बेहतरीन बेहतरीन। अब आता है हमारा ऑडियंस वाला राउंड आता है हमारा। अरे हाँ, गीत बाकी है, गीत क्षमा कीजिएगा। देखिए हम लोग गीत का आनंद लेंगे और हमारे संगीत की जो टीम है उनसे गुजारिश करेंगे। पांचवे राउंड में मैडम हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जजेस हमारे जजेस मुस्तैद हैं मैडम, आगे बढ़े मैडम, आपकी इजाजत है जी। फिफ्थ राउंड ऑडियंस का क्वेश्चन जाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है, ऑडियंस नाराज जाएंगे। ऑडियंस का प्रश्न जो है शानदार प्रश्न उनके लिए आएगा। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ऑडियंस ए, ऑडियंस बी, सी, डी, ई और ऊपर एफ है। देखिए हम लोगों ने उनको याद रखा है। आपका प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपको बताना है वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने भूख हड़ताल करके जेल में ही प्राण त्याग दिए। वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया, वो भूख हड़ताल पे उतर आए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आपके ऑप्शंस हैं बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जतिंद्रनाथ दास।
कौन बताएंगे? किनसे? आपसे पूछे, आपसे देखो हमारी बेटी ना बेटे प्राण नहीं दिया गई, लेकिन अच्छी कोशिश थी बेटे, अच्छी बेटी ने कोशिश करी कि यहाँ पे तो हम एक बार आए थे, ये इधर नहीं आए है ना मैडम, रोहिणी मैडम इधर पूछा जाए, ठीक है रोहिणी मैडम ने इजाजत दी है, हम किनसे पूछेंगे? लास्ट लास्ट में जो हमारे मेंटर्स हैं, जिन्होंने चश्मा धारण किया है, जो बहुत ही तेजस्वी हैं, विपिन चंद्रपाल, गलत जवाब है, कौन बताएंगे? एक अब ऑप्शन बड़े कम रह गए हैं। हाँ ऊपर से, हाँ हाँ बताइए ऊपर से, आप बताइए ऑप्शन डी, वो क्या है डी? यानी जतेंद्रनाथ दास, सही जवाब, आई आई नीचे आई, जतेंद्रनाथ दास वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की परिस्थितियों को स्वीकारा नहीं और करीबन 40 से भी ज्यादा दिन तक उन्होंने जो है भूख हड़ताल करी बैठे और उस प्रक्रिया में जो है उनको प्राण त्यागने पड़े, लेकिन जेल की परिस्थितियां फिर सुधरने लगी। उसके पश्चात जतेंद्रनाथ दास जो है सही जवाब था, उनको शानदार इनाम देने के लिए हम लोग चांदनी मैडम को कहेंगे। चांदनी मैडम जो है हमारी होनहार बिटिया को जो है शानदार पुरस्कार देंगे। जादू के पिटारे में से जो है वो कोई खास थोड़े शानदार इनाम निकालिएगा, जैसे बच्ची हमारी प्रसन्न हो जाए। क्या नाम है बिटिया का? शिवानी। आप शिवानी हैं, कितना शानदार नाम है आपका, बहुत अच्छा बेटे। हाँ तो देखिए काफ़ी मशक्कत के बाद चांदनी मैडम ने जो है वो निकाला है तोहफा, और ये शानदार इनाम बिटिया के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अब इजाज़त है, इजाज़त दे रहे हैं बच्चे है? वीडियो वो बोले वो अभी उसको दे रहे हैं, अभी एक राउंड आएगा है ना, उसके बाद अच्छा हाँ वो वीडियो दिखाना था, सही बात है, वो देख लेते हैं, मैं एक वीडियो देख लेती हूँ। लाइट्स ऑफ करेंगे और एक हमारी जो अरविंद जी और अदिति ने बड़े शानदार मेहनत करके उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स हमारे लिए डाउनलोड करी हैं, उनका हम लोग आनंद लेंगे। थैंक यू थैंक यू, ये थोड़ी सी तकनीकी खामी हो गई है, हम लोग जो है वीडियो क्लिप का आनंद फिर लेंगे, तब तक ये इसको चार्जिंग वगैरह हम लोग थोड़ा सा करा लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं मैडम, पांचवें राउंड की तरफ जाते हैं। हाँ थोड़े द्वार वगैरह खोल लीजिए है ना, थोड़ी जो है आपको सफोकेशन ना हो, खिड़कियाँ वगैरह बेटे खोल लो थोड़ी सी है ना, तो गर्मी का जो प्रभाव है वो कम है। हमारा पांचवा राउंड जो है इसमें 1300 अंक मिलेंगे, सारे टीम्स ध्यान देंगे, आपको 1300 रुपये मान के चलिए 1300 आपको अंक मिलेंगे। एक मिनट का समय होगा और ये भी इसमें भी जो है आपके ऑप्शंस नहीं है, दिस इज अ नो ऑप्शन राउंड, तभी देखिए 1300 की कीमत तभी होगी हमारी है ना। तो ये जो है इसमें भी जो मशहूर वाक्य हैं, कुछ मशहूर वाक्य हैं जो हमारे आज़ादी के पूरे संग्राम से जुड़े हुए, जो भारत के जितने भी हमारे वीर जवान हैं, भारत के हर नागरिक के हृदय में ये कुत्रित हैं, ऐसे शानदार अल्फाज हैं जिनको हर देशभक्त को याद रखना चाहिए। तो ये राउंड हम शुरू करेंगे, राउंड फिफ्थ राउंड है ये मैडम, 1300 अंक हैं जजेस के ध्यान में लाऊंगा, और इसमें भी हम लोग पास नहीं करेंगे, अगर गलत होता है तो सीधे ऑडियंस के पास जाएंगे और ऑडियंस में से जो अच्छे उत्तर आएंगे जी, कोई कष्ट हो तो कहिएगा, नहीं कोई कष्ट नहीं, ठीक चलो शुरू करें मैडम। हमारे कौन से टीम है ये? सुभाष चंद्र बोस इजाजत दे रहे हैं, ठीक है तो महात्मा गांधी से हम प्रश्न पूछते हैं, आपको बताना है, बड़े ध्यान सुनिएगा, 1300 अंक है ना। इट अर्क्स मी इफ आई एम लेट फॉर प्रेयर्स इवन बाय अ मिनट, बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें है टेंशन ना कीजिए, प्रार्थना उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी उस व्यक्ति के लिए,
और अगर एक मिनट के लिए भी वो प्रार्थना में वो देर हो जाए ना, तो वो कहते थे मैं बेचैन व्याकुल हो जाता हूँ। वो कौन से व्यक्ति हैं जो आपको उनका नाम देना है, जिनके लिए प्रार्थना, बल्कि प्रार्थना में विलंब होने के कारण उनकी हत्या हो। सर राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। प्रार्थना जो है तो है अद्भुत है, अद्भुत है। प्रार्थना हमारे जीवन में कितना ऊंचा स्थान रखती है। हर रोज है ना हमारी आर्य कन्या गुरुकुल की बेटियां और कॉलेज की बेटियां जो है प्रार्थना से अपनी दिनचर्या शुरू करती है। अब हम आएंगे टीम के पास, टीम बी के पास आएंगे। टीम बी का बहुत ही सरल है, लेकिन चूंकि यू नो ये सूत्र जो है बड़ा मशहूर है ना, मशहूर है और इसकी सब तो आता भी होगा, लेकिन यू नो भले इसको दोहराना भी पड़े, लेकिन यू नो उसकी गरिमा जो है, उसका वजूद जो है वो अद्भुत है। आपको बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया। हमारे आजाद भारत का एक बेहतरीन सूत्र है और हर जगह अगर हमें प्रमाण प्रणाम करना, वंदन करना, देश के अभिमान, देश के गौरव की बात करनी हो, तो हम बड़े मान के साथ जैसे अमेरिकी लोग करते हैं अपने हृदय पे हाथ रख के हम ये सूत्र बोलते हैं जय हिंद। आपको बताना है ये नारा किसने दिया। ये हाँ बिल्कुल, ये कैसे नेता है जिनके नाम में नेता है, उनके नाम में ही नेता छुपा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1300 अंक मिले हैं, 1300 थोड़ी तालियों में खनक कम है, तालियों की बजाय थोड़ी सी है ना, थोड़ा सा बस एक दो राउंड ही अब शेष है, ज्यादा नहीं है ना। आपकी परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक है, पूरी हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये कौन सी टीम है? सुभाष चंद्र बोस। आपका जो शब्द है मशहूर शब्द, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। अद्भुत अद्भुत खेल रहे हैं मैडम, अद्भुत खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान। आज भी भारतीय हृदय में ये धड़कता है, हमारे सैनिकों का, हमारे किसानों का जो योगदान है बेटा, हमारे आजादी का जो संग्राम था अभूतपूर्व था। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री। बेहतरीन, बहुत अच्छा कहते, बहुत अच्छा। आपका आ रहा सूत्र, आपका आपका सूत्र है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये सूत्र किसने दिया था। ये सूत्र जो है हमारे भारत का यू नो एक ऐसा सूत्र है जो हमारे राष्ट्र चिन्ह में भी इसको उद्धृत किया गया। ये किसने दिया था आपको एक क्लू दे सकता हूं कि उनके नाम में पंडित है। सत्यमेव जयते। इत्तेफाकन उनके तीन जो नाम के अक्षर है वो मा से ही शुरू होते हैं, मा से। पंडित जी म म म, हाँ कौन बताएंगे, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑडियंस से पूछते हैं कि वो पूछ लें इनसे क्या कहते हैं, पूछ लेते हैं। पूर्णा कह रही है, पूर्णा के भलामन है, ठीक है पूर्णा, हाँ बताइए। मोहन मालविया। वेरी गुड, सही बात,
पंडित मदन मोहन मालवीय ट्रुथ अलोन ट्रायन सत्यमेव जयते, जो हमारे राष्ट्र चिन्ह में इसको उत्कृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सूत्र किसने दिया था, किनकी बारी, आपकी होगी, भगत सिंह की बारी है। क्या बात है, भगत सिंह की बारी है। और भगत सिंह का सूत्र भी ऐसे ही होना चाहिए जोरदार। आपको बताना है कि ये सूत्र किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार बोलेंगे, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। सर आंसर इज चंद्रशेखर आजाद। ये किसका पर्याय बना, कौन बताएंगे हम लोग। हाँ पीछे पीछे, हाँ भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। ये देखिए आपके नाम के साथ ही था, और एक्चुअली इसको ये भगत सिंह के नाम से मशहूर जरूर हुआ, लेकिन इसको एक हसरत मोनानी मोहानी करके एक व्यक्ति थे, नेता थे, जिन्होंने इसको इसकी रचना करी थी, लेकिन भगत सिंह ने इसको मशहूर किया। हाँ कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारी बिटिया का नाम क्या है बेटे, धरती को जो है हमारे सुरेश जी से हम कहेंगे, सुरेश जी आप बिटिया को थोड़ा सा पुरस्कृत कर दीजिए, और सतीश जी को मैं कहूँगा कि आप जो है उनको छवि में कैद कर लें, है ना। सतीश जी, सुरेश जी को, सुरेश जी थोड़ा खोजबीन कीजिएगा, हमारा जादू का कटारा है। शानदार इनाम धरती के लिए, धरती प्रसन्न हो जाए। ये निकला, ये देखिए, ये लीजिए, इधर देखना बिल्कुल, हाँ खुश रहो, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग, ये राउंड हमारा पूरा हो गया, हाँ बाकी है। बड़ी खुशी हुई कि आपको पूछता है। चलिए हमारा आखिरी, ये जो आखिरी टीम, आखिरी प्रश्न, पांचवा राउंड का आखिरी प्रश्न है ये। आपका जो सूत्र है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँ, ये किसने कहा। ये हमारे भारत की जो राष्ट्रीय सेना थी बेटे, जो आज़ादी का संघर्ष हुआ था, उसमें सूत्र के रूप में हजारों नौजवानों को प्रेरित किया है मातृभूमि के लिए कुर्बान होने के लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा। सर राइट आंसर इज चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पूछना चाहिए हमारी कौन सी अच्छी बेटियां हैं। हाँ अब बताओ बेटे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं अब गुजारिश करूंगा रोहिणी मैडम से, रोहिणी मैडम बच्चिया को आशीर्वाद दीजिए, और हमारे जादू के पिटारे में से शानदार इनाम लीजिएगा। और क्या नाम है बिटिया का, रिद्धि जोशी, रिद्धि जोशी के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच रोहिणी मैडम, और बिटिया को भी खूब खूब आशीर्वाद। और इस तरह से हमारा पांचवा राउंड पूरा होता है, और जो है इसको हम लोग संभालना है, तो एक छोटी सी हम लोग वीडियो क्लिप देखेंगे, और उसके बाद अगला राउंड प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ऑडियंस का प्रश्न भी आएगा, है ना, तो वीडियो क्लिप देख लें पहले, ठीक।
जब तक तैयार होता है फिर ऑडियंस का हम प्रश्न ले लेते हैं, ऑडियंस ए, ऑडियंस बी, ऑडियंस सी, डी, ई और एफ। ऑडियंस एफ है हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं आप, ऑनलाइन जुड़े हैं कि ऑफलाइन जुड़े हैं? ऑफलाइन जुड़े हैं। ठीक है, आपका प्रश्न आ रहा है, आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो हमारा सूत्र है, राष्ट्रीय सूत्र है, वो किस उपनिषद से लिया गया? फ्रॉम विच उपनिषद हैज दिस मोटो सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? ये किस उपनिषद से? आपके ऑप्शंस हैं, आप बिना ऑप्शन के बता दें, बिना ऑप्शन से। ओके, बताइए बताइए। उपनिषद बेटे, अच्छी कोशिश थी बेटी, क्या है ना, आपके ऑप्शंस में बता देता हूँ। मुंडका उपनिषद है, ईशा केन कथा, कौन सी उपनिषद? हमारे बहुत सारे 10 वैसे प्रधान उपनिषद हैं, ईशा केन कथा, प्रश्न मुंडक मांडुक्य एत्रे तैत्रिया छंदोग्य बृहदारण्यक, आपको बताना। हाँ बेटे, कौन सा? मुंडका उपनिषद, सही जवाब। बिटिया के लिए थोड़ा सा पुरस्कार, अब जो है देवी मैडम से हम लोग गुजारिश करेंगे कि आशीर्वाद दें। देवी माँ जो हैं वो जादू के पिटारे में से, देखिए उनकी शक्तियाँ, देखिए अभी आप देखिएगा सीधा प्रसारण हो रहा है, गौर से देखिएगा, ये देखिए जादू से उन्होंने कलम आविष्कृत किया है। और क्या नाम है बेटी का? नेहल। नेहल, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा शानदार जवाब दिया आपने। और अब हम लोग वीडियो क्लिप की राह देखेंगे सर कि आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो क्लिप का हम लोग आनंद लेंगे।
Yeah, thank you very much, the audiovisual team. Let's now move up. अभी ऑडियंस का प्रश्न बाकी है कि हो गया ऑडियंस का तो प्रश्न हो गया. अब राउंड सिक्स की तरफ हम लोग जाएंगे. टीम तैयार हैं. अब आखिरी दो राउंड हैं. सब प्रेजेंटेशन हो जाएं. हमारा छठा राउंड है और फिर उसके बाद आखिरी राउंड सातवां राउंड. और कुछ ही क्षणों में जो है हमारा जो क्विज का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा. यू नो पुनः जो है सब ऊर्जा के साथ थोड़े सशक्त मुद्रा में सीधे बैठेंगे. यू नो हमें यू नो ये आज का दिन हमारे महात्मा गांधी जी के को हम समर्पित कर रहे हैं. यू नो उनके मान में यू नो जरा भी हमारा शिष्टाचार का भंग ना हो इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे. और अब हम आ रहे हैं छठे राउंड. वी आर कमिंग टू द सिक्स राउंड. इसमें आपको 1400 अंक मिलेंगे. 1400 1400 मार्क मिलेंगे मैडम. एक मिनट का समय होगा. इसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको. ऑप्शन वाला राउंड है. बहुत देर के बाद ऑप्शंस आए और जो है हमारे जो है मुंबई का जो है पात्र का क्या शानदार अभिनय उन्होंने किया था. हटेला हटेला थे आप है ना. हटेला का देखिए क्या जोरदार ताली बजाइए. क्या क्या शानदार हटेले थे आप. हटेला ने हटेली की बड़ी हट के जो है यू नो प्रस्तुति करी. बहुत अच्छा बेटी. क्या नाम बेटी का. विभूति आप किस में हैं. एफ वाई में आ गए आप. और कौन से उसमें बीकॉम में. इंग्लिश मीडियम में है. अरे वाह क्या अद्भुत. देखिए कितने अद्भुत बच्चे हैं हमारे. नीलेश जी देखिए है ना शानदार है ना. देखिए नीलेश जी जो है वो छवि में सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं. चलिए हम लोग शुरू करते हैं छठा राउंड. आप महात्मा गांधी के लिए आपका प्रश्न आ रहा है. वो कौन सा शहर है. विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. प्रधानमंत्री का शहर कौन से शहर को कहा जाता है. आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी अहमदाबाद अलाहाबाद भोपाल. वो कौन सा शहर है जो प्रधानमंत्रियों देश को इतने सारे प्रधानमंत्री उन्होंने दिए. बहुत सारे प्रधानमंत्री जो है उसी शहर से आए हैं. कौन सा शहर है वाराणसी अहमदाबाद इलाहाबाद या भोपाल. आपका समय शुरू हो चुका है. 1400 अंक यानी 1400 रुपए उनको मिल सकते हैं. एक मिनट का उनके पास वक्त है. समय जो है उनका दौड़ रहा है. सब बाकी जो है इसमें हम लोग पास करेंगे. ठीक है इसमें हम लोग पास करेंगे. और पास वाले से सारे टीम जो है वो भी चौकन्ने हो जाएं. उनको 1200 में से आप 600 अंक मिल ही सकते हैं अगर थोड़ा सा गणित आप करें. हाँ वाराणसी गलत जवाब है. हम लोग टीम बी के पास जाएंगे. टीम बी आप बताएंगे. जल्दी से बताएं कौन सा शहर है जो प्रधानमंत्री के शहर के रूप में प्रख्यात से मशहूर है. अब हम ऑडियंस की बात जाएंगे. ठीक है ऑडियंस में से कहाँ जाना चाहिए. रोहिणी मैडम आप बताइए. सामने सामने जाना चाहिए. सामने जो है कौन बताएंगे किन्होंने. आप बताइए. आप बताइए. हाँ बेटा इलाहाबाद 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 है ना. क्या बात है. इलाहाबाद है ना. और उनको शानदार इनाम मिलेगा. बिटिया को हम लोग अब किनको गुजारिश करेंगे है ना. नीलेश जी. अरे नीलेश जी आई. नीलेश जी वो तो कैमरा फैन बना रहेगा जो है. फोकस थोड़ा इधर कर लीजिए तो आपकी भी छवि इसमें आए. और आई आई क्या नाम बेटी का. मित्तल. नीलेश जी आप आइए. नीलेश जी मित्तल को शानदार तोहफा देंगे जादू के पिटारे में से. कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी गुड. इलाहाबाद जो है वो प्रधानमंत्री के शहर के रूप में मशहूर हैं. कम से कम 15 प्रधानमंत्री इस शहर से आए हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं लाल बहादुर शास्त्री हैं इंदिरा गांधी हैं राजीव गांधी हैं गुलजारीलाल नंदा हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं और चंद्रशेखर जी हैं. ये सब जो है इलाहाबाद से आए हैं. हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब प्रश्न आ रहा है. किनका प्रश्न आ रहा है. आप हैं कौन है. आप हैं जवाहरलाल नेहरू हैं. तो आपको बताना है कि ये जो गीत है ये जो गीत है सारे जहां से अच्छा
ये गीत किसने लिखा है, ये गीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद इकबाल, दादाभाई नौरोजी, शहीर लुधियानवी या गुलजार। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल सही जवाब। इट्स राइट आंसर, वेरी गुड। आपको मिलते हैं 1400 अंक। यानी ये जो मोहम्मद इकबाल ही थे जो उन्होंने ये बड़ा शानदार वो शेर कहा था, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यू नो जो कवि हैं यू नो वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं। इकबाल जी ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि वो राजनेताओं के हाथ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो है ये आज़ाद होते हैं, ख्यालों की आज़ादी उनको पसंद होती है और वो आज़ादी उनको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किन की बारी आ गई? सुभाष चंद्र बोस। सब ठीक ठाक हैं? कैसे खेल रहे हैं आपकी सखियाँ? कैसे खेल रही? अच्छा खेल रहे, बेस्ट है। कौन कौन क्या लगता है कौन जीतेगा? आपको आप जीतेंगे, ऑडियंस आपको जिताएगी। ठीक है, आपको बताना है। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है आपके लिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी टू असैसिनेट अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंग्लैंड? सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी कौन हुए जिन्होंने एक अंग्रेज को इंग्लैंड में यू नो उनकी उनको असैसिनेट उनकी हत्या करी? बड़ा मशहूर नाम है। ऑप्शंस हैं उधम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल धींगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। सबसे पहले क्रांतिकारी जिन्होंने एक अंग्रेज को जिन्होंने उनके ही घर में इंग्लैंड में जाके उनको जो है खत्म किया, कौन थे वो? ऐसा नाम भूल नहीं सकते बेटे, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो अंकित होना चाहिए, ऐसा मशहूर नाम है। उनके नाम में जो है एक क्रिकेटर की भी गूंज है। एक हमारे बड़े शानदार क्रिकेटर थे, उनका भी नाम वैसे ही था। नो बेटा, एक ऑप्शन मिलेगा टीम डी को, आप बताना चाहेंगे? मदनलाल धींगरा। मदनलाल धींगरा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां प्लीज। देखिए अपने घर में तो हर कोई शेर होता है बेटे, लेकिन दूसरे राज्य में जाके यू नो उनके राज्य में जाके अनजानी प्रजा के सामने उनको जो है सबक सिखाना, ये कोई मदनलाल धींगरा से पूछे। यू नो ये कुछ ऐसे नाम है बेटे, अमर नाम है। वीर सावरकर ऐसे एक अमर नाम है जिनको जीते जी दो दो बार उम्र कैद की सजा दी गई। जब दो दो बार उनको उम्र कैद की सजा दी गई तो वो बड़े खुशी खुश हुए, बोले इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि अंग्रेजों को पुनर्जन्म में विश्वास है। मदनलाल धींगरा, क्या अद्भुत नाम, क्या अद्भुत शख्सियत। हम लोग किनके पास आ रहे हैं? वीर सावरकर। देखिए क्या अद्भुत नाम है आपका, है ना? आपको बताना है कि 1857 का जो युद्ध था, जो संग्राम था, वो किस शहर से शुरू हुआ? द रेबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? किस शहर से 1857 का युद्ध शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं कराची, कलकत्ता, दिल्ली, मेरठ। कराची, कलकत्ता, दिल्ली, मेरठ। 1857 का, अभी तक ये माना जाता था कि 1857 हमारा प्रथम यू नो जो स्वतंत्रता का युद्ध, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है, उससे भी पूर्व बल्कि 1811 में यू नो एक और उसका भी उल्लेख अभी नहीं कर सकता मैं, नहीं तो यह है प्रश्न लीक हो जाएगा, वो अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन आपको बताना है कौन सा शहर था 1857 पहला स्वतंत्रता का संग्राम जिसको कहा जाता है, वो किस शहर से शुरू हुआ? कराची, कलकत्ता, दिल्ली, मेरठ। गलत जवाब, अब बताएं। कराची। नो बेटा, ऑडियंस ऑडियंस बताइए, इधर बताइए, इधर पूछा जाए, कौन से किन से पूछे, किन से पूछे, किन से पूछे, किन
हाँ अब बताओ बेटा, हाँ नो बेटा गड़बड़ हो गई, किन से पूछें आप, किन से पूछें, इधर पूछे, हाँ अब बताओ बेटा, हाँ ना मेरठ इज द राइट आंसर, मेरठ किन्होंने कहा, आपने कहा, आपको दो दो बार पुरस्कार मिलेंगे, आई आई प्लीज आई, हमारी जो है बहुत अच्छी होनहार बिटिया है, क्या नाम है, नेहल, नेहल को पुरस्कार कौन देंगे, धारा मैडम, धारा मैडम देंगे, धारा मैडम, और हमारा जादू का पिटारा प्रकट हो, है ना, देखिए अदिति के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, वो जो है अभी धारा थोड़े से जादू कीजिएगा, इसमें से कुछ शानदार पुरस्कार निकालिएगा नेहल के लिए, नेहल ने बड़ा शानदार उत्तर दिया है, उन्होंने शहर का नाम बताया है, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू धारा बेटी। और 1857 का हम लोग युद्ध की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की जो क्रांति हमारा जिसको माना जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ जो बगावत हुई वो 1857 में शुरू हुई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, किन के पास जाएंगे हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है आपका प्रश्न बहुत ही सरल, व्हाट डज द थ्री कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, भारत का जो तिरंगा है यू नो उन तीनों रंगों का मायने क्या है, वो किसके प्रतीक है। ऑप्शन ए जस्टिस, सेल्फलेसनेस, एग्रीकल्चर, न्याय, निस्वार्थ भाव और एग्रीकल्चर, किसान वर्ग। बी रिलीजन, पीस एंड ट्रीज, धर्म, शांति और वृक्ष। ऑप्शन सी सेक्रीफाइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, त्याग, शांति और संपन्नता। डी इनमें से कोई नहीं, भारतीय तिरंगा, जिस तिरंगे पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बलिदान, शांति और संपन्नता, सेक्रीफाइस, पीस। एक एक रंग में देखिए हमारी मिट्टी में कितनी यू नो कितनी जान है, हमारे तिरंगे में कितनी जान है, वो हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, भारत की संस्कृति, काई की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, जैसे मुन्ना भाई जी ने त्याग किया है, मुन्ना भाई ने त्याग किया है ना, और बलिदान, शांति और संपन्नता। आगे बढ़ते हैं, किन की बारी है, भगत सिंह आ गए, भगत सिंह की बारी आ गई है, आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ, व्हेन वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, ये बड़ा मशहूर था असहयोग आंदोलन, आपके वर्ष हैं ऑप्शंस में 1919, 1920, 1921, 1922, 1920 क्या बात है, महात्मा गांधी ने आह्वान किया था असहयोग आंदोलन का कि अंग्रेज सरकार से हमें असहयोग करना है, जैसे कि वो भारत को आजादी प्रदान कर सके। और हम लोग आखिरी इस राउंड का प्रश्न, आखिरी टीम, आखिरी प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का प्रश्न, हमारा जो तिरंगा है उसमें नीले रंग का चक्र है, वो जो नीले रंग का चक्र है जो भारतीय तिरंगे में नजर आता है वो किसका प्रतीक है, व्हाट डज द ब्लू व्हील दैट अपीयर्स इन द इंडियन नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर, जो नीले रंग का चक्र है। आपके ऑप्शंस हैं द व्हील ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस, द व्हील ऑफ रिलीजन, द व्हील ऑफ कृष्णा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, न्याय का चक्र, धर्म का चक्र, कृष्ण का चक्र, भाग्य का चक्र, जो नीला चक्र है भारतीय न्याय का चक्र, सही जवाब, बहुत अच्छा। आज जिसको हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं,
जो 24 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत किया गया था और उसमें नीले रंग का, आसमानी नीले रंग का रंग दिया गया था एक सफ़ेद पृष्ठभूमि के तहत, और चरखा की जगह, पहले चरखा था उसकी जगह ये अशोक चक्र जो है हमारे जो स्वतंत्रता से पहले उसमें जो हमारा तिरंगा था उसमें चरखा था, स्वतंत्रता के पश्चात ये अशोक चक्र जो है वहाँ विराजमान है। और इस तरह से हमारा ये राउंड हमारा पूरा होता है, राउंड पूरा हो गया हमारा, छठा राउंड पूरा हो गया। अब हम लोग एक ऑडियंस से प्रश्न है कि नहीं, ऑडियंस तैयार है आपके प्रश्न के लिए? कैसा प्रश्न दें आपको हम, सरल कि मुश्किल? मुश्किल वाला देते हैं, ठीक है, पब्लिक डिमांड पे मुश्किल प्रश्न का आह्वान हुआ है, इसलिए ऑडियंस के लिए मुश्किल प्रश्न है। और चूंकि ये मुश्किल है इसलिए मैं जो जादू का कटारा है उसमें से दो इनाम दिए जाए, क्या कहते हैं भरत जी? ऐसा ठीक, भरत जी देखिए आज ही हमारे भरत जी हमारे बीच में आए हुए हैं, भरत जी ठीक ठाक खेल रहे हैं बच्चे, कैसा लगता है आपको? ठीक, थोड़ा देशभक्ति का माहौल बन रहा है। देखिए भरत जी जो है अकाउंट्स के खां हैं बेटे, यानी स्कूल की बेटियां खास देखिए दर्शन कीजिएगा भरत जी के, कि गुजरात में जो है अकाउंट्स पढ़ाने वाली बेटी ऐसे भी। थैंक यू भरत जी, देखिए भरत जी के नाम में भारत है, भरत जी के नाम में भारत है, देखिए तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अद्भुत हैं भरत जी आप। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। तो मुश्किल प्रश्न ऑडियंस के लिए, ऑडियंस हमारे जो है यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ ऊपर हैं, और आपका प्रश्न आ रहा है कि हमारी जो राष्ट्रीय शपथ है नेशनल प्लेज वो तेलुगु में लिखी थी, सबसे पहले राष्ट्रीय शपथ जो है तेलुगु भाषा में लिखी गई, तो किसने लिखी ये शपथ, किसने लिखी? आपको ऑप्शन देता हूं, पैदीमरी वेंकटा सुब्बा राव, पैदीमरी वेंकटा डोंगप्पा राव, पैदीमरी वेंकटा अप्पा राव, पैदीमरी वेंकटा राजा राव, कौन बताएंगे? अप्पा राव नहीं, गलत जवाब हो गया, राजा राव भी गलत हो गया, कौन बताएंगे? पैदीमरी, ऑप्शन कौन बोले? एक इन्होंने कहा, अरे आ जाओ बेटे, पैदीमरी वेंकटा सुब्बा राव, सुब्बा राव बहुत अच्छा, बेहतरीन। देखिए अपने साथी को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, बिना थोड़ी सी ताली, क्या नाम लिखिया था? खुशी, अरे वाह खुशी आप प्रसन्न हैं, आप कैसे खेल रहे हैं, आपकी बड़ी बहनें कैसे खेल रही हैं, अच्छा लग रहा है आपको, आप पसंद हैं खुशी के नाम में, तो देखिए खुशी है। तो जो है हम लोग भरत जी से, अदिति से कहेंगे, अदिति हाँ बेटे आप अब जो है देखिए वो पिटारा लेके घूम रही हैं, अब उनको कहेंगे कि आप पिटारे में से खुद जो है वो, उनको ये मुश्किल प्रश्न था इसलिए उनको दो दो इनाम, ऐसा करिए कि बिटिया को ही चुनने दीजिए, है ना, वो आप आइए इसमें से आप हाथ डालिए और देखिए, है ना, एक मिनट का समय दिया जाए उनको है तलाश करने के लिए। हाँ दो दो लेने हैं आपको, हाँ वेरी गुड, खुशी अब खुश हैं आप, अरे थैंक यू बहुत अच्छा, पैदीमरी वेंकटा सुब्बा राव जो है ये हमारी राष्ट्रीय शपथ जो तेलुगु में केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल थे, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, नवोदय विद्यालय में जो पढ़े हैं, वो हर रोज़ हम लोग शपथ लेते हैं, हम सब भारत भाषी भाई बहन हैं, इस तरह की शानदार शपथ है वो एक्चुअली तेलुगु में लिखी गई थी। अब किनकी बारी आ गई हमारी, है ना, अब हम लोग जो है वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो के लिए गुजारिश करेंगे हम लोग, लोग एक शानदार वीडियो देखेंगे, है ना, वीडियो ठीक ठाक देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, पूछ कर तो कैसे करेंगे, थोड़े इधर आ सकते हैं आप? नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप, एडजस्ट कर लीजिए, है ना।
थैंक यू वेरी मच. ऑल इंडिविजुअल टीम हैज डन अ रिमार्केबल जॉब. अब हम लोग आ रहे हैं आखिरी राउंड में. आखिरी राउंड आज क्विज 2020-21 का आखिरी राउंड. तैयार हैं सब सारे टीम्स, महात्मा गांधी से लेके चंद्रशेखर आजाद तक. हमारे ये ऑडियो विजुअल राउंड है. अदिति से मैं गुजारिश करूंगा कि वे तैयार रहें. इस राउंड में जजेस के ध्यान पे लाना चाहूंगा कि 1500 अंक मिलेंगे उनको. 1500 रुपए मान के चलिए. ठीक है, आपको वही एक मिनट का समय है. इसमें जो है कोई ऑप्शंस नहीं है. ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं है. आपको आवाज पहचाननी है, मेरी आवाज ही पहचान है, ऐसा कहते हैं. तो आपको आवाज पहचाननी है. हम कितने देशभक्त हैं, कितने हमारी देशभक्ति की मात्रा कितनी है, ये प्रमाणित होगा. ये स्टेज की लाइट्स ऑफ कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा. तो आप यह सुनना ही है, कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं. प्लीज स्टेज की लाइट जारी रहे. ठीक है, टीम ए आप तैयार हैं? है ना? और आपकी क्लिप ये रही, सुनिए. Doesn't matter.
Doesn't matter. It's okay. We'll have a separate count for this. There's some technical problem. Okay. Don't worry. This happens. So we'll have a different round. Okay. I get it. No, quick, no problem, sir. Doesn't matter. We'll have a separate round for that. There's some technical issue so far as audiovisual round is concerned. Doesn't matter. Okay. Let's everybody's time is precious. So समय की कीमत हम सब जानते समझते हैं. उस round को audiovisual round की जगह एक दूसरा round हम लोग रखेंगे. वो भी MCQ का ही round रखेंगे हम लोग. आपको इसमें स्कोर करने के स्कोर वही रहेगा मैडम. हमारे 1500 अंक मिलेंगे बच्चों को. सब तैयार है ना? सब जो है थोड़ा सा ये तकनीकी जो है फॉल्ट है उससे थोड़ा सा हम लोग सब उसको समझेंगे. महात्मा गांधी, आपका प्रश्न आपके सामने यहाँ आ रहा है. बड़े ध्यान से सुनिएगा आपका प्रश्न. सर थॉमस रो वो जब भारत आए तो वो सूरत का जो पोर्ट था वो सितंबर 1615 में जेम्स फर्स्ट महाराज, 1615 में जेम्स फर्स्ट जो महाराज थे उनसे उनका लिखा हुआ पत्र सर थॉमस लो मुगल जो बादशाह थे एक व्यापार के लिए, व्यापार के करार के लिए वो आए थे. तो वो उस समय 1615 में जो वर्ष था उस समय मुगल बादशाह कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, फारूक सिया. जहांगीर. सही जवाब. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेल. वेरी गुड. आपका प्रश्न कौन सी टीम है? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए टीम है. हमारा प्रश्न है ब्रिटिश एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री भारत में कहां लगाई थी? सबसे पहली उनकी जो फैक्ट्री कोलकाता, कोलकाता अब सुधर गया है, दिल्ली, सूरत, गोवा. अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री व्यापार के मतलब भारत में कहाँ लगाई थी, कहाँ स्थापित करी? कोलकाता, दिल्ली, सूरत या गोवा? आपका 1500 रुपए का प्रश्न है. आपका समय दौड़ रहा है. आपको हाँ कोलकाता. हाँ हाँ आप बताइए सूरत कौन बोले? अरे सही जवाब. बेहतरीन बेहतरीन. कौन सी टीम है ये? सुभाष चंद्र बोस. बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, है ना? बहुत अच्छा, बेहतरीन. इन्होंने ये जो टीम बी का प्रश्न था वो टीम सी ने उत्तर दिया और अब प्रश्न आ रहा है टीम सी का. ये प्रश्न है हाँ ये बोनस था उनका. आपका प्रश्न कौन सी टीम? सुभाष चंद्र बोस. आपको बताना है
ये पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का भारतीय युद्ध, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र, वीर सावरकर. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें शानदार ढंग से दर्ज किया गया है. आप बताना है कौन सा सही, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र, वीर सावरकर. गलत जवाब. कौन एक बार पास होगा? न्यायाधीशों के हिसाब से एक ही बार पास होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑडियंस के पास जाएंगे हम लोग. हाँ ऑडियंस, फिक्र ना कीजिएगा, अभी थोड़े से ही क्षण बचे हैं, फिर आप जो है मैडम हमारा आज का गांधी जयंती का कार्यक्रम जो है पुनः की तरफ असर होगा. सबने अच्छी साधना करी है, आज गांधी जी बहुत प्रसन्न होंगे, है कि गांधी जी प्रसन्न होंगे? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. वीर सावरकर, सही जवाब. अब आपका प्रश्न आ रहा है ना, ये तो बड़ा अच्छा इतफाक हुआ, उनका प्रश्न आपने जवाब दिया, आपका प्रश्न उन्होंने जवाब दिया है ना, ये बड़ा अच्छा है. ठीक है, अब बताइए कि जो 1857 का जो संग्राम था ना, युद्ध था, उसमें नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया? नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन हैं तांतिया तोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, बहादुर शाह दूसरे. सेकंड, तांतिया तोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, बहादुर शाह द सेकंड. 1857 का जो संग्राम था उसमें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व की बात कर रहे हैं. तांतिया तोपे. अफसोस, गलत जवाब. आप बताएं, जल्दी से बताएं, खूब गहन चर्चा कर रहे हैं देखिए टीम, यू नो. हाँ चर्चा में बड़ा आनंद है. और ये जो है लाल बहादुर शास्त्री, ऑडियंस के पास चलते हैं. ऑडियंस कहाँ जाएंगे? रोहिणी मैडम आप बताइए कहाँ चला जाए. इधर इधर इधर, ये बच्चे हमारे हैं, उनकी बारी नहीं आई है. और कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? हाँ इधर इधर जाएंगे. क्या कहते हैं चेतन जी, आप बताइए कहाँ जाए? पीछे उनका तो आ गया, एक बार आ गया उनका, है ना. जिस बच्चे ने जवाब नहीं दिया है उनसे पूछा जाए, उनसे यहाँ इस बच्चे से पूछा जाए. ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल, सही जवाब. क्या बात है, बेगम हजरत महल, इनको सब आप जानते, बड़ा मशहूर नाम है बेगम हजरत महल. बिटिया को हाँ आप बेटे खुद उसमें जो है आप लाभ दीजिए जादू के पिटारे को, और उसमें से मन चाही जो है आप. ओके, क्या नाम है बिटिया का? दिशा. दिशा कृषा, विशा, द्विशा. अरे क्या बात, शानदार नाम है, उनका नाम बड़ा अच्छा है. तो उस बेटी के लिए जो तालियां तो बनी थी. तो हम लोग कहाँ पहुंचे? आपकी आपकी बारी. आप कौन हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल. आपको बताना है कि इनमें से कौन ना कभी गिरफ्तार हुए ना अंग्रेज उसको मार पाए. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नाइदर कैप्चर्ड नॉर किल्ड बाय द ब्रिटिश. इनमें से कौन ना पकड़े गए ना मार पाए? तात्या तोपे, मंगल पांडे, बहादुर दार बहादुर शाह दूसरे, नाना साहेब. अंग्रेज उनको ना पकड़ सके ना मार सके, ऐसे योद्धा हमारे क्रांतिवीर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी तात्या तोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह दूसरे, नाना साहेब.
मंगल पांडे, गलत जवाब है बेटे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, एक बार पास होगा तात्या तोपे, मंगल पांडे निकल गए हैं, बहादुर शाह दूसरे, नाना साहब कौन थे ना जो पकड़े गए न मारे गए। ए तात्या तो गलत जवाब। अब ऑडियंस से पूछेंगे, ऑडियंस में किन्होंने जवाब दिया? बेटी आप दो, बेटे आपके पीछे, हाँ हाँ देखो, हाँ 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 बोलो। ऑप्शन सी बहादुर शाह सेकेंड, वो भी गलत थे। बचाए की अब है ना, सही जवाब जो है हमारा नाना साहेब है। नाना साहेब थे जिनको ना वो पकड़ पाए ना मार पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लोग जो है किन की बारी आई? भगत सिंह। भगत सिंह के लिए शानदार प्रश्न आ रहा है। भगत सिंह आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अहम पहल करी थी, ये जो पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857, 1885, 1875 इन 1900, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो किस वर्ष में उसकी स्थापना हुई थी? इत्तेफाकन एक अंग्रेज ने ही उसकी स्थापना की। अंग्रेजों को भले लोग कोसते हों, लेकिन हमारी स्वतंत्रता संग्राम के पीछे जिस पार्टी का वजूद था, हाँ हाँ बताइए। ऑप्शन डी 1900। डी नो, गलत जवाब। कौन बताएंगे? 1857, 1885, 1875, 1900। हाँ हाँ एक बार ये कोशिश कर ले बेटे। 1875। नहीं बेटे गलत जवाब है। हाँ वो बिटिया बोल रही है, हाँ बेटा ना बेटे अब तो ये की बचा है ना। 1885 सही जवाब है। देखिए भारतीय कांग्रेस या भी कांग्रेस का स्वरूप बदल गया है, लेकिन अब तो इंदिरा कांग्रेस है। उस समय इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, एलन ओक्टेवियन ह्यूम उनका नाम था, एलन ओक्टेवियन ह्यूम जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1885 में। अब आखिरी प्रश्न, आखिरी राउंड का, आखिरी टीम का आखिरी प्रश्न चंद्रशेखर आजाद के। आपको बताना है कि इनमें से किसने गणपति का जो त्योहार था इन 1893 में इसकी शुरुआत करी थी और इसको एक राष्ट्रीय वजूद दिया था? गणपति बाप्पा कौन थे? दादा भाई नारोजी, गणेश दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, नाना पाटिल। गणपति का जो त्योहार होता है वो राष्ट्र त्योहार है और लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना ऊर्जा जागृत है। बड़ी गहन चर्चा हो रही है। देखिए टीम, आखिरी टीम 1500 के 1500 अंक उनको हासिल करने हैं और उसके लिए बड़ी मशक्कत हो रही है, बड़ी चर्चा चल रही है। ऑप्शंस आपको दोबारा चाहिए। ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, गणेश दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और नाना पाटिल। राइट आंसर इज सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेले। और ऑडियंस वाला प्रश्न, ऑडियंस वाला एक प्रश्न रह गया। चलिए ऑडियंस के लिए प्रश्न है, शानदार प्रश्न है उनके लिए। सरल प्रश्न पूछें, बहुत सरल, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न है हमारे आज का, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग न्यायाधीशों को कहेंगे कि वे अपनी जो है गणित अपना प्रयोग करें और जो है ऑडियंस के लिए, ऑडियंस ए, ऑडियंस बी, हेलो ऑडियंस सी, ऑडियंस डी और ऑडियंस ई और ऑडियंस एफ, हेलो। ठीक, आपका प्रश्न बड़ा सरल प्रश्न कि भारतीय तिरंगा जो है
उसका आकार कैसा है, उसका आकार कैसा है? ऑप्शन सी, स्क्वायर, चौकोर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगुलर। किन से पूछ रहे? रेक्टेंगल। क्या बात है, जो डराओ इंडिया को, जो मुन्ना भाई को जो है जो अपने हाथों से वो शानदार पुरस्कार लेंगे, अदिति मैडम ने दिया है, उनको भी पसंद कर दीजिए। एक आध आप अपने घर नहीं, आपको नहीं पसंद, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू अदिति बेटे। और इस तरह से आज का हमारा क्विज 2021 हमारा यहाँ पूरा होता है। सारे टीम के लिए जोरदार तालियां, एक बार जोरदार जोरदार, ये सब बहुत अच्छा खेले। और जैसे कि मैंने बताया कि उनको कुछ क्षण लगेंगे, तो तब तक हम लोग एक अंजलि देंगे गांधी जी को। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो है अपनी कुर्सियों को थोड़ा सा घुमा लें और एक दो सीध कर लें, यू नो, जैसे कि आप हम सबको यहाँ देख सकें। मैं मंच पे चला जाता हूँ, तो दो अदिति प्लीज़ इंश्योर दैट देयर टू रोज, सब अच्छे से, यस, थोड़ा ऐसे यहाँ पे आप फेस कर सकें, ये रिक्त स्थान भर दीजिए, इसको ऑफ कर देते हैं हम लोग। वेनी मैडम, गांधी जी के मान में, उनके सम्मान में आज इतना शानदार दिन है हमारा, सब बेटियों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा, कोई भी रिक्त खाली ना रहे। हीरल बेटे आप आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा कोई खाली